जबरदखल को तीव्र विरोध कले बाबामणी संघ और स्थानीय बासिंदा सरकारी जमी को माड़ बसिले दुई जमी माफिया लोलुप दृष्टि सरकारी जगा मिशन जमी उपरे तातिले स्थानीय बासिंदा और संघर कर्मकर्ता भांगिले जबरदखल कंक्रीट खुट चौद्वार पौरपालिकार 16 नंबर वार्ड में देखा मिली एक अभावनीय घटना राज्य सरकार द्वारा चारिघरियार मुंडसाही ठारे चिन्हट होता जगा मिशन स्थान को जबरदखल कर चारिपटे कंक्रीट खुंट बुले निर्माण कार्य करते विरोध कर संघ तरफ एक लिखित अभियोग टीपीएम फांडी तहसिलदार चौद्वार म्युनिसिपालिटी तारीख 1/5/2021 अभियोग विषय में किसी न बुझ्वर स्थानीय अंचल बहु महिला और पुरुष और बुद्धिजीवी माने उक्त स्थान में पहुंची नाराबाजी करने सहित जगह को घेरवाई व्यवहृत कंक्रीट खुंट को ओपाड़ी फोपाड़ी देते यही स्थानटी राज्य सरकार द्वारा जगा मिशन निमंत चिन्हट होता बेले निकटने चौद्वार पौरपालिका द्वारा निर्मित होई एक गोष्ठी उन्नयन केन्द्र यह सहित बाकी रही सरकारी जगार एक पार्क निर्माण पर चारिघरिया मुंडासाही बस्ती में उन्नयन संघ तरफ चौद्वार पौरपालिका को लिखित प्रस्ताव 3/1/2021 एक लिखित प्रस्ताव दि जाता बेले सेठे किपरि जबरदखल है यह एक प्रश्नवाची सृष्टि करुच्ची एठारे प्रश्न उठुची सरकारी जगह को दाखल करने को जमी माफिया को साहस देउची किए दुई जमी माफिया और प्रशासनिक अधिकारी मानक मध्यरे मधुचंद्रिका नहीं तो जदि एही दुई जमी माफिया विरोध में चौद्वार पौरपालिका किंबा सरकारी स्तर में कार्यानुष्ठान नेबा सहित उक्त स्थान में एक पार्क कार्य करा न जाए तबे आगामी दिन में जोरदार आंदोलन करा जिवा बोली चारिघरिया मुंडासाही बस्ती में उन्नयन संघ तरफ चेतावनी दि जाइछि टांगी चौद्वार मानस कुमार सामल को रिपोर्ट ओडिशा प्लस जबरदस्ती राजी दंगा हंगामा करी गाली गुलज देई से माने चाहुते दखल करिया परी तनु मोर सरकार को निवेदन हमर प्रशासन को निवेदन जगन्नाथ साहू चारिगुरिया ग्रामवासी रे जीव पिला आमे आज एडी कोन होतला आजी किसी जमी गुच्छर जमी को किसी अन्य लोक मारी बसते मैंने सरकारी जगह आम से विरोध करूँ आम बहुत पुराणा यू आम रही आसल प्रथम क्रिकेट खेलु क्रिकेट खेल बेले गोटे ट्रक आसाला पथर बढ़ी जाए बसद से पथर गाड़ी आ उठी पाइलानी जहाँ फल पथर से पकड़े बारंबार आम भी कही अनुरोध भी कर पथर तुम एठ सिफ्ट कर सी आईटा को मूल रकल कर रखिले जो मैंने पकड़े बाहर गाँव गाँव लोक तो लास्ट में कहला ना जगह कड़ी रही था ओडिशा प्लस खबर ही खबर।